मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सर्वे दल भोपाल पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सर्वे दल के साथ बैठक की और अति वर्षा के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी साझा की। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने कई जिलों में जमकर तबाही मचाई है। इस अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सर्वे दल मध्य प्रदेश के दौरे पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर केंद्रीय सर्वे दल के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय सर्वे दल को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अति वर्षा की वजह से खराब हुई फसलों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान के साथ साथ क्षतिग्रस्त मकानों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय जांच दल से चर्चा करते हुए बताया कि अगस्त माह में अतिवृष्टि और बाढ़ से 24 जिलों में लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के नुकसान का आकलन है और करीब 17 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। आज केंद्रीय दल भारत सरकार का मध्य प्रदेश के दौरे पर आया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को भारी तबाही हुई है, मकान ढह गए हैं, कई गांव पूरी तरह से डूब गए थे, सामान का नुकसान हुआ है। जनहानि हमने नहीं होने दी, लेकिन बाकी नुकसान तो हुआ ही है, कई जगह पशु हानि भी हुई है, सड़कें खराब हो गई है, टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एक प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान कुल मिलाकर हुआ है। ये और बढ़ सकता है क्योंकि सर्वे का काम अभी चल रहा है। केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करने आज मध्य प्रदेश आई है, प्रभावित जिलों में जाएगी। ये अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान के लिए आई है, लेकिन हम भारत सरकार से और अनुरोध कर रहे हैं, कीट व्याधि के कारण फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, स्टेम बोरर तना छेदक के कारण, एलोमोजिक के कारण क्षति पहुंची है। राजस्व के अमले को हमने निर्देश दिया है, जहां किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वहां सर्वे का काम करें। फसल बीमा योजना भी हमने करवाया है और क्षति के आकलन के आधार पर किसानों को राहत की राशि भी देंगे। फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के हमारी कोशिश रहेगी, हम नुकसान की भरपाई कर दें। वहीं दिल्ली से आई सर्वे टीम पर कांग्रेस ने हमला बोला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने फसल आकलन करने आई टीम पर हमला करते हुए कहा कि कब तक निरीक्षण करेंगे, अब सर्वे नहीं पैसा चाहिए किसानों को। कब तक निरीक्षण करते रहेंगे, पैसा चाहिए, असेसमेंट हो गया है। भोपाल में भी अभी जो दिशा की मीटिंग हुई थी उसमें कहा था इसे असेसमेंट हो गया। किसान की जेब में और जो बाढ़ पीड़ित लोग हुए उनकी जेब में पैसा कब आएगा, और ये जो बाढ़ें आई हैं, जो गेट खुल गए जगह जगह, ये सामंजस्य नहीं था इसलिए आई। इसमें बहुत से जानवर गाय ये तक इसमें बह गए, जिसका कोई असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ। बता दें कि केंद्रीय दल भारत सरकार के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि ये केंद्रीय जांच दल शुक्रवार और शनिवार को प्रभावित जिलों के उन गांवों तक पहुंचेगा जहां नुकसान हुआ है और प्रभावितों से सीधे चर्चा करेगा। एमपी न्यूज के लिए भोपाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।